डेनिम जैकेट के नीचे कार्डबोर्ड या फिर कोई भी हार्ड चीज़ रख देंगे, कार्डबोर्ड ही अच्छा रहेगा ताकि दूसरे हिस्से पर प्रिंट ना छप जाए, क्योंकि छप ही जाती है ये एक्रिलिक कलर से। और अभी क्लिप लगा देंगे हम, क्लोथ क्लिप दोनों ही तरफ, ताकि स्टर्डी रहे हमारा जैकेट कोई भी टेबल पर। अभी फैब्रिक कलर ले रही हूँ, वाइट में ब्लू मिला करके बैकग्राउंड बनाएंगे हम। और सबसे मेन चीज़ तो रही गई थी, बैकग्राउंड बनाने से पहले हम ऐसे टिप्स चिपका देंगे चारों तरफ, ताकि हमारा बैकग्राउंड अच्छे से बने और बाहर ना फैले कोई एक्स्ट्रा कलर्स। अभी सबसे मेन आउटलाइंस कर देने के बाद ये ब्लू कलर डोरेमोन का, वाइट और रेड येलो ये सब कर देने के बाद ये हमारा फिनिश हो गया। और फाइनल टच वाइट कलर का डॉट बना करके नोज़ में, और ये हो गया हमारा डोरेमोन कैरेक्टर कंप्लीट। और अभी मैं अपनी साइन कर रही हूँ, लेकिन कोई भी पेंट ब्रश से हो नहीं रहा था, तो सिर्फ नाम नहीं लिख दिया, साइन नहीं की पूरी। और लास्ट में ये कुछ थोड़ी बहुत टिप्स जो कि काम आएगी ये पूरी पेंटिंग प्रोसेस में, फैब्रिक पेंटिंग प्रोसेस में।